वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों, बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के अंदर IQOS Z9 5G जो फोन है इसके ऊपर एक से बढ़कर एक जो इमेजेस हैं वो निकलते जा रहे हैं। अब ये फोन जो लॉन्च होने वाला है 12 मार्च को, उसके बाद ही सभी लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे बंदे जो है एक्साइटेड है, मुझे पता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना दिए, बट आज की वीडियो में मैं आपको एक्सक्लूसिव कुछ ऐसे इमेजेस दिखाने वाला हूँ, प्लस IQOS Z9 5G के कुछ और भी बातें बताऊंगा जो कि इस फोन के अंदर अपकमिंग आने वाला है। एंड अभी तक फाइनली प्राइस किसी को नहीं है, प्राइस के बारे में भी बहुत कुछ निकल के आया है, वो भी शेयर करेंगे आज के वीडियो में। अंत तक देखते रहो अगर आप IQOS Z9 5G परचेस करने के लिए इच्छुक हो एंड इस फोन के रिलेटेड और भी वीडियोस आगे जाके देखने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर क्या क्या रहने वाला है एंड क्या कुछ डिजाइन होने वाला है वो तो मैंने एक महीना पहले एक वीडियो में बता दिया था, बट अभी रिसेंट कुछ चीजें जो है अपडेट्स वगैरह निकल के आए हैं जो कि मैं आपको खुद शेयर करने वाला हूं। पहले तो आपको बता दूं, ये जो फोन है ये दो कलर में इंडियन वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। अब इस फोन के अंदर पहली तो बात यह है कि ग्लास बॉडी नहीं रहेगा और इसके पीछे के साइड में जो डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है वो शायद आपको देख के लगेगा ग्लास बॉडी है, बट नो, दिस इज अ पॉलीकार्बोनेट बॉडी। कलर्स के जो नेम है वो बाहर निकल के आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रश्ड ग्रीन एंड ग्राफाइट ब्लू करके ये जो दो फोन है ये आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जो आनंद रावत भाई है उन्होंने शेयर भी किया इसका इमेज, आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ दो कलर में आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रीन और एक ब्लैक में। बहुत सारे बंदों का ये डाउट है कि ये फोन जो होगा इसके ऊपर आपको जो पैटर्न मिलेंगे वो कुछ आपको फिजिकल पैटर्न देखने को मिला, मतलब पकड़ने से आपको फील होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट अ फिजिकली टेक्सचर, ये जो है ये लाइट ब्लर्न होने पे इसके ऊपर जो टेक्सचर वगैरह है वो आपको दिखाई देते हैं। चाहे वो आप ग्रीन कलर वाला देख लो, उसमें आपको कुछ लेयर टाइप के फिनिश दिखने को मिलेंगे, फ्लैशेस टाइप के जो कि लाइट फ्लैश होने पे जैसे दिखता है, और जो ब्लैक वाला है उसमें आपको ग्लिटरी टाइप का फिनिश देखने को मिलता है। जो लाइट है वो गिरने के बाद ये जो इफेक्ट्स वगैरह है ये इस फोन के अंदर आता है। अब ये आने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको 12 तारीख तक वेट करना है, बहुत टाइम है अभी, लेकिन आपको ये चीज जानना है कि इस फोन के ऊपर में फिजिकल कोई आपको जो डिजाइन है देखने को नहीं मिलेगा, पकड़ते हुए आपको नॉर्मल स्मूथ ही लगेगा, बट लाइट में ये थोड़ा सा ज्यादा ही चमकता है। नो डाउट मुझे लगता है इस प्राइस के अंदर में इस डिजाइन को इन लोगों ने जो किया है ये प्रीमियम टच टू फ्लैगशिप आप बता सकते हो, मतलब फ्लैगशिप जो फोन्स आते हैं उनके तरह ही इसका डिजाइन है बॉक्सी शेप में। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका डिजाइन आपको कैसा लग रहा है। इंडियन जो सीईओ है IQOO के उन्होंने भी शेयर किया है और इसमें बताया गया है इस सेगमेंट के अंदर में 7,34,000 प्लस जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इस प्राइस के अंदर में अगर देखते हो 7,34,000 का एंटीटू बेंचमार्क तो भाई ये गेमिंग फोन ही इसको दे सकता है जो कि IQOO वाले डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारे बंदों के दिमाग में एक ख्याल तो आ रहा होगा, भाई प्राइस कितना होगा, इस प्राइस के अंदर बोल रहे हो, रुक जाओ बता रहा हूँ। इंडियन टिप स्टार मुकुल शर्मा ने बहुत सारे फोटो शेयर किए थे IQOS Z9 5G का एंड फोटोज वगैरह देख के जो लग रहा है इस बजट के अंदर में ये जो फोन होगा अच्छे अच्छे फोटोज भी आपको क्लिक करके देगा। इट्स नॉट अ गेमिंग फोन, ये आपको अच्छे कैमरास के साथ भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस फोन के अंदर आपको सोनी का IMX सेंसर मिलेगा 800 सीरीज का जो कि बहुत ही बढ़िया फोटोज कैप्चर करके देता है, चाहे वो वोके इफेक्ट देख लो, चाहे फ्लावर्स देख लो, चाहे आसमान वगैरह देख लो। इसमें 2x पोर्ट्रेट शॉट्स भी बहुत बढ़िया निकल के आए थे जो कि हमारे टिप स्टार मुकुल शर्मा जी ने शेयर भी किया था। अब थोड़ा सा डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ बिकॉज डिस्प्ले को लेकर भी एक बहुत ही रिसेंट अपडेट आया है। आर्यन गुप्ता जो है ट्विटर में बहुत सारे फोटो शेयर किए, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने IQOS Z9 5G का एक इमेज भी शेयर किया जो कि फ्रंट का इमेज है। यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हो, सेंटर पंचोल लेके आ रहा है, जो बेजिल्स है बहुत ही मिनिमम है, बट जो चिन है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। पूरा टोटल तो बेजिल्स नहीं काट सकते हैं बट जो चिन है उसको थोड़ा सा इन लोगों ने रखा। खैर एमोलेड डिस्प्ले लेकर आ रहा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एंड अच्छा खासा ब्राइटनेस भी आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से बताओ तो ये जो स्क्रीन है ये मुझे कुछ वीवो टी सीरीज के फोन्स की तरह लगे जो कि इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसका स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड ब्यूटीफुल है। नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट जो कि है अपना प्राइस, इस फोन का प्राइस क्या हो सकता है। ये फोन मेरी तरफ से मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं इंडिया में अंडर 20,000 रुपीज लॉन्च होने वाला है। जी हां, मे बी 21,000 हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, ये 100% कंफर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप भी इस फोन के लिए एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करके जरूर बताना आप कौन से वाले वेरिएंट को लोगे, ग्रीन वाला या फिर ब्लैक वाला। बाकी इतना सा ही अपडेट निकल के आया था जो कि मैंने आपको शेयर किया। ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब एंड बहुत जल्दी मिलते हैं IQOS Z9 5G को लेके आपके साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड।